नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियसर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मजदूरों की संख्या का हमें रेशियो दिया है। हमें संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है, हमें संख्या का रेशियो दिया हुआ है 15:11 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, मजदूरी का रेशियो दिया है। हमें मजदूरी का रेशियो क्या दिया है, मजदूरी का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, मजदूरी का रेशियो दिया हुआ है 22:25 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले मजदूरों की संख्या अगर 15 यूनिट होगी तो कमी करने के बाद मजदूरों की संख्या कितना हो जाएगी 11 यूनिट, और पहले एक मजदूर का मजदूरी अगर 22 यूनिट होगा तो मजदूरी में वृद्धि करने के बाद एक मजदूर का मजदूरी कितना हो जाएगा 25 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से कुल मजदूरी निकाल सकते हैं। कुल मजदूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मजदूर के मजदूरी में हम मजदूर के संख्या से गुणा करेंगे तो कुल मजदूरी निकल के आ जाएगा। तो देखिए पहले कुल मजदूरी कितना होगा 15 × 22 यूनिट, और बाद में कुल मजदूरी कितना होगा 11 × 25 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ से अगर 11 से 22 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, दो बार में। हम इसे अगर 5 से काट ले तो 5 से 25 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 15 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, हम 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या है 5 है, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा 6:5। हमसे पूछ क्या रहा था, मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी। तो देखिए मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घट जाएगी, 6:5 के अनुपात में घट जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 6:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 4 पुरुष अथवा 8 महिला किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 12 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को आठ महिला 15 दिन में कर सकती हैं, और हमसे पूछ रहा है कि छः पुरुष और 12 महिला मिलकर उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। हमें क्या निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से 15 से 15 काट सकते हैं, हम इस 4 से अगर 8 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, दो बार में। हम यहाँ से लिख सकते हैं m/w = 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया, यानी एक पुरुष का एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट होगा तो एक महिला का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। अब देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेंगे या हम यहाँ w का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम किसी एक का वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए m का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 15 हो जाएगा। अब देखिए इस काम को हमें किससे कराना है, इस काम को 6 पुरुष और 12 महिला से मिलकर कराना है। तो देखिए एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट, तो 12 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट गुने एक्स। अब देखिए हम इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 × 2 × 15 = ये हमारा हो जाएगा 24 × x। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, 8 से 24 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। हम इस 3 से अगर 15 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 5, यानी 6 पुरुष और 12 महिला मिलके उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे, 5 दिन में कर पाएंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 था,
तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के 4 वर्ष पहले आयु का रेशियो दिया है। चार वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, चार वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो कितना दिया है, 5:7 दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि 4 वर्ष पहले ए की आयु अगर 2 यूनिट होगी तो बी की आयु कितना होगी, 3 यूनिट। यानी यहाँ इन दोनों के बीच आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष बाद ए की आयु अगर 5 यूनिट है तो बी की आयु कितना है, 7 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना है, 2 यूनिट है। यहाँ अंतर कितना है, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ से अंतर क्या निकल के आ रहा है, दोनों के आयु के बीच का अंतर निकल के आ रहा है यहाँ से 1 यूनिट, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 2 यूनिट। अब देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, और यहाँ जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयु का अंतर बराबर करेंगे। अब देखिए आयु का अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:2। रेशियो कितना हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा अंतर कितना निकल के आएगा, हम 6 में से 4 माइनस करेंगे ये हमारा हो जाएगा 2 यूनिट, और 7 में से 5 माइनस करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ गया। अब देखिए 4 वर्ष पहले ए की आयु अगर 4 यूनिट होगी तो 4 वर्ष बाद कितना हो जा रही है, 5 यूनिट। यानी 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद जब हम जा रहे हैं तो ए की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का। और देखिए बी की आयु में कितने का वृद्धि हो जा रहा है, बी की आयु 4 वर्ष पहले कितना है, 6 यूनिट, और 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 7 यूनिट। यानी बी की आयु में भी 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि करें, ये हमारा वर्तमान से 4 वर्ष पहले है और ये जो है वर्तमान से 4 वर्ष बाद है। यानी हम यहाँ वर्ष में 8 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं, हम यहाँ वर्ष में 8 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से दोनों की 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद की हम आयु निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से 4 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 वर्ष है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 48 वर्ष। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे दोनों की वर्तमान आयु, हमसे पूछ क्या रहे, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहे। अब देखिए अगर हमें 4 वर्ष पहले की आयु पता है तो हम यहाँ से वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों के 4 वर्ष पहले की आयु में 4-4 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा। तो देखिए 4 वर्ष पहले ए की आयु कितना है, 32 वर्ष, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा। और बी की आयु कितना है 4 वर्ष पहले, 48 वर्ष, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 52 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 वर्ष और 52 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है, दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मिश्रण के अंदर दूध और पानी का हमें रेशियो दिया है। दूध और पानी का हमें रेशियो कितना दिया है, 7:1 दिया है। और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में दूध और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में दूध और पानी का रेशियो 3:1 हो जा रहा है। देखिए बाद में यह रेशियो 3:1 कब हो रहा है, जब हम इस मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला रहे हैं, हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। यानी मिश्रण के अंदर जो दूध होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अब देखिए शुरुआत में मिश्रण के अंदर हमने मान लिया कि अगर 7 यूनिट अगर दूध होगा तो 1 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो दूध कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ दूध कितना है, 7 यूनिट, और यहाँ दूध कितना है, 3 यूनिट, जबकि दूध की मात्रा हमारा क्या है, बराबर है, क्योंकि हम इस मिश्रण के अंदर और क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। तो देखिए इस 7 और 3 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 7 में हम 3 से गुणा कर लें और इस 3 में अगर हम 7 से गुणा कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा।
अब देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 7 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 7 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21:3 हो जाएगा, और हम यहाँ अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21:7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 21:3 निकल के आ गया, और जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो रेशियो कितना हो जा रहा है 21:7। तो देखिए यहाँ भी दूध कितना है 21 यूनिट, और यहाँ भी दूध कितना है 21 यूनिट, यहाँ पानी कितना है 3 यूनिट, और यहाँ पानी कितना हो जा रहा है 7 यूनिट, यानी हमने इसमें कितना पानी मिला दिया, हमने इसमें 4 यूनिट पानी मिला दिया। अब देखिए इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इस 4 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में शुरुआत का मिश्रण दिया हुआ है, हमें शुरुआत का मिश्रण कितना दिया 40 लीटर, और यहाँ शुरुआत में मिश्रण कितना है 21 यूनिट दूध है तो 3 यूनिट क्या है पानी है, यानी शुरुआत में टोटल मिश्रण कितना है 24 यूनिट है। इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 40 लीटर दिया हुआ है, 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 40 लीटर दिया हुआ है, 40 लीटर दिया हुआ है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे इस 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए हमें 24 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इस 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 24 को अगर हमें 4 बनाना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 6 से भाग देना पड़ेगा, अगर हम इस साइड 6 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 6 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 40 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40/6 लीटर, यानी हमें उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा 40/6 लीटर, हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं अगर इसे 2 से काट ले तो ये 2 से जाएगा 20 बार में, और ये 2 से जाएगा 3 बार में, यानी 20/3 लीटर आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3 लीटर, यानी उस मिश्रण के अंदर हमें और कितना पानी मिलाना पड़ेगा 6 सही 2/3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 6 सही 2/3 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बी की मासिक आय निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है सेविंग का रेशियो दिया है, और हमें क्या दिया है दोनों का सेविंग दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सेविंग का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में सेविंग का रेशियो हमें क्या दिया है, सेविंग का हमें रेशियो दिया हुआ है 4:1। अब देखिए हमने मान लिया कि ए का सेविंग अगर 4 यूनिट होगा तो बी का सेविंग कितना होगा 1 यूनिट, यानी यहाँ से दोनों की कुल सेविंग क्या हो जाएगी, दोनों की कुल सेविंग हो जाएगी 5 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में दोनों की कुल सेविंग क्या दिया 5,000 रुपया दिया है। अब देखिए इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए बी की सेविंग क्या है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1,000 रुपया निकल के आ गया, ए का सेविंग कितना है 4 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अलग अलग सेविंग हमारे निकल के आ गया, ए का सेविंग कितना होगा 4,000 रुपया, बी का सेविंग कितना होगा 1,000 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, बी का मासिक आय पूछ रहे हैं, तो देखिए हमें इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, और दोनों का हमें सेविंग पता चल गया, दोनों का हमें सेविंग पता चल गया। अब देखिए ए का सेविंग कितना है, ए का सेविंग है 4,000 रुपया, ए का सेविंग कितना है 4,000 रुपया, बी का सेविंग कितना है 1,000 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है बी की मासिक आय, यानी हमसे इस एक यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगा के इस एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें इससे गुणा करेंगे। तो देखिए 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इससे इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 3 से अगर हम 4,000 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12,000, उसके बाद 5 से अगर हम 1,000 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7,000 रुपया। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस क्या निकल गया है 1 यूनिट, और यहाँ से डिफरेंस क्या निकल गया है 7,000, यानी यहाँ से हमारा इस 1 यूनिट का वैल्यू, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 7,000 रुपया निकल के आ गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया
एक यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 7,000 रुपये। और हमसे पूछ क्या रहा है, बी की मासिक आय। तो देखिए ए की मासिक आय अगर 2 यूनिट है तो बी की मासिक आय कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 7,000 रुपया, यानी बी की मासिक आय क्या होगी 7,000 रुपया होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ दो संख्या हम कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y है, जहाँ x जो है y से बड़ा है, जहाँ x जो है y से बड़ा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बड़ी संख्या का 40%, हमने x को बड़ा माना है, यानी x का 40% किसके बराबर है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो देखिए यहाँ हमने छोटी संख्या क्या मान के रखा है, y, यानी y के 60% के बराबर है। अब देखिए हम यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 2 बार में जाएगा, ये 20 से कितने बार में जाएगा 3 बार में। हम यहाँ से लिख सकते हैं x बटा वाई इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए x अगर हमारा 3 यूनिट होगा तो y क्या होगा 2 यूनिट, यानी बड़ी संख्या 3 यूनिट होगी तो छोटी संख्या क्या होगी 2 यूनिट होगी। तो देखिए हम यहाँ से दोनों संख्या का योग निकाल सकते हैं, दोनों संख्या का योग कितना निकल के आ जाएगा, दोनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का योग क्या दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा है बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी संख्या हमारी क्या है 90 है और छोटी संख्या क्या है 60 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, ऋचा का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो सूची मूल्य यानी MP जो है वो 100 रुपये है, उस वस्तु का सूची मूल्य 100 रुपये है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, यानी CP क्या हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा, अगर हम इसका 4/5 निकालेंगे तो CP क्या हो जाएगा, 100 का अगर 4/5 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 रुपये। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो देखिए सूची मूल्य अगर 100 रुपये है तो इससे 20% अधिक पे बेचेगी तो SP कितना हो जाएगा, अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 रुपये, यानी SP हो जाएगा 120 रुपये, SP कितना हो जाएगा 120 रुपये। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत, तो देखिए CP कितना है 80 रुपये, SP कितना है 120 रुपये, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 40 रुपये का, कितने पर 80 पर, गुने हम 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 40 से 80 कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 से 100 कितने बार में जाएगा 50 बार में, यानी यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया 50% निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक टेलीविजन सेट 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता एवं उसे 360 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता, टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि टेलीविजन का जो सीपी है वो 100 यूनिट है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो देखिए सीपी अगर 100 यूनिट होगा तो 10% के लाभ पे बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 110 यूनिट हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 110 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, तो देखिए अगर 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता तो देखिए सीपी कितना हो जाता, 10% कम में अगर खरीदा होता तो सीपी कितना हो जाता, हम इसका अगर 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 यूनिट, यानी 100 में से अगर हम 10 यूनिट माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 यूनिट। अगर 10% कम में खरीदा होता और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 360 रुपया
कम में अगर बेचा होता, 360 रुपये कम में बेचा होता तो उसे जो है 20% का लाभ होता। तो देखिए यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 20% का। तो देखिए इस 90 यूनिट का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 यूनिट। तो देखिए 90 में अगर हम 18 यूनिट यानी लाभ ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। तो हम 90 में अगर 18 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 यूनिट। अब देखिए पहले एसपी कितना था, 110 यूनिट, और अब एसपी कितना है, 108 यूनिट। यानी एसपी में यूनिट में कितना का कमी हो गया, 2 यूनिट का, और हमें क्वेश्चन में रुपया में कितने का कमी दिया, 360 रुपये का। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल किया गया, यहाँ से हमारा इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकल किया गया, 360 रुपये निकल किया गया। 2 यूनिट का वैल्यू 360 रुपये निकल किया गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य, और हमने क्रय मूल्य क्या मान के रखा है, 100 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 18,000 रुपया निकल के आ गया। टेलीविजन सेट का सीपी क्या निकल के आ गया, 18,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक आदमी ने 60,000 रुपया जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2,560 रुपया हो तो 4% की दर से उधार दी गई राशि थी। हमें क्या निकालना, 4% की दर से उधार दी गई राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कुल वार्षिक ब्याज दिया हुआ है। हमें कुल वार्षिक ब्याज कितना दिया, 2,560 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ समय कितने का है, हमें क्वेश्चन में कुल वार्षिक ब्याज कितना दिया, 2,560 रुपया, यानी समय कितने का है, एक वर्ष का है। तो देखिए जब समय एक वर्ष का हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब समय एक वर्ष का हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एसआई बटा प्रिंसिपल गुने 100। अब देखिए यहाँ में क्वेश्चन में एसआई कितना दिया हुआ है, 2,560 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 60,000 रुपया, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो देखिए 4 से 256 कितने बार में जाएगा, 64 बार में, और 4 से 60 कितने बार में जाएगा, 15 बार में। यानी यहाँ से हमारा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 64/15% निकल के आ गया। अब देखिए जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो हमारा बट्टे में क्या है, प्रिंसिपल है। तो जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, जो हमारा बट्टे में रहता है, यानी बट्टे में क्या है, प्रिंसिपल है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, प्रिंसिपल का निकल के आएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि कुछ राशि को 5% की दर से उधार दिया जा रहा है, कुछ राशि को 4% की दर से उधार दिया जा रहा है, और ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 64/15%। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए यहाँ बट्टे में क्या है, 15 है, तो हम सभी जगह 15 से गुणा कर लेते हैं। हम यहाँ भी 15 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 15 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी हम 15 से गुणा करेंगे। अब देखिए 15 से हमारा 15 कट जाएगा, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 4 में अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 64 से 60 क्या है, छोटा है, तो हम 64 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए 75 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल का रेशियो क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ गया 4:11। यानी 5% की दर से अगर 4 यूनिट राशि उधार दिया गया होगा तो 4% की दर से 11 यूनिट राशि उधार दिया गया होगा। यानी यहाँ से टोटल राशि क्या निकल के आ गया, 15 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है 60,000 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4,000 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, 4% की दर से उधार दी गई राशि।
तो देखिए 4% की दर से कितना राशि उधार दे रहा है, 11 यूनिट। हमें एक यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 11 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 44,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 44,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 रुपया हो जाएगी, वह राशि है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम दिया है, और क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। तो हम सबसे पहले इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा, प्रिंसिपल 10 यूनिट होगा तो एक वर्ष में 10 पे 1 का ब्याज मिलने के बाद कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए एक वर्ष का समय होगा तो प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अगर 2 वर्ष का समय होगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 121। यानी दो वर्ष में 10% के दर से प्रिंसिपल अगर हमारा 100 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 12,100 रुपया। यानी इस 121 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12,100 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हम इस 121 में कितना से गुना करें कि हमारा 12,100 रुपया हो जाए, तो देखिए अगर हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12,100 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इस 100 में भी अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। हम इस 100 में अगर 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 रुपया। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 10,000 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।